हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सोशियोलॉजी के इस चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं कुछ समाजशास्त्र संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन GIC लेक्चरर के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तथा NTA नेट के लिए। तो प्रैक्टिस सेट वन है, तो आइए देखते हैं। जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक संगठित समूह के रूप में देखते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम समिति कहते हैं। क्या कहेंगे? समिति। परिवार व्यक्तियों का एक समूह होता है, समित होता है, जिसमें बीज निर्मित कार्य प्रणाली के रूप में संस्था भी होती है। इस प्रकार परिवार समिति एवं संस्था दोनों हो सकता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा केवल संस्था का उदाहरण है? तो विवाह, विवाह हमारा केवल संस्था का उदाहरण है। तो आइए देखते हैं संस्था की कुछ विशेषताएं। विशिष्ट उद्देश्य, संस्थाओं का निर्माण किया जा सकता है। तीसरा, विचार या आवश्यकता का परिणाम, ढांचा या संरचना पाई जाती है। संस्था व्यक्तिगत नहीं होती, सामाजिक होती है। भूतकालीन अनुभवों के आधार पर संस्था स्थापित की जाती है तथा समाज के द्वारा अभिकृत होती है। उपयुक्त कथनों में परिवार ऐसे ही समिति एवं संस्था दोनों को गुण मिलते हैं, क्योंकि इनमें सदस्यों की संख्या भी होती है, जो समिति की विशेषता है, जबकि क्लब समिति है तथा विवाह केवल संस्था, इसमें केवल नियम और कानून पाए जाते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समुदाय से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं, अर्थात सभी संबंध एक व्यापक उद्देश्य होता है, सामान्य नियम होते हैं तथा समुदाय का एक विशिष्ट नाम होता है। तो आइए देखते हैं समुदाय की विशेषताएं। निश्चित क्षेत्र, सामुदायिक भावना, सामान्य जीवन एवं संस्कृति, विशिष्ट नाम, स्वतः विकास और स्थायित्व। मनुष्यों का समूह होता है, मनुष्यों का समूह होने के नाते मूर्त होता है, व्यापक उद्देश्य पाए जाते हैं समुदाय में तथा सामान्य नियम व्यवस्था होती है, आत्मनिर्भरता होती है, अनिवार्य सदस्यता होती है, साधन साध्य दोनों की उपलब्धता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का उदाहरण है? तो इसमें पूछा है कौन सा समुदाय का उदाहरण है, तो इसमें से कोई भी समुदाय का उदाहरण नहीं है। मैकाइवर और पेज के अनुसार होता है स्थानीय निश्चय, अर्थात निश्चित प्रमुख विशेषता निश्चित क्षेत्र और सामुदायिक भावना होती है। चूंकि छात्र संघ, रोटरी क्लब तथा गांव पंचायत, इन दोनों में तत्वों का अभाव हो, अतः यह सामुदायिक नहीं होकर सीमित का उदाहरण है, जो कि एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। समाज के वर्गीकरण में एशियाई समाज की श्रेणी को किसने विभाजित किया है? तो कार्ल मार्क्स यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स ने उत्पादन के तरीकों का आधार पर समाज के चार प्रकारों के वर्गीकरण किए हैं, एशियाटिक समाज, पुरातन समाज, सामंती समाज तथा पूंजीवादी समाज। अगला, सोरोकिन ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मक सिद्धांत में जिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है वे हैं, तो सोरोकिन चेतनात्मक संस्कृति तथा विचारात्मक संस्कृति का प्रयोग करते हैं, जबकि अभौतिक संस्कृति और भौतिक संस्कृति का प्रयोग आगमन करते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। एक्सप्लेन। सोरोकिन ने अपनी पुस्तक सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनालिटी में सांस्कृतिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि सांस्कृतिक व्यवस्था तीन प्रकार के हैं होते हैं, जो कि क्रम है इंद्रियपरक, भावनात्मक और भावनात्मक के बाद इंद्रियपरक। इन दोनों के बीच एक आस्था होती है जिनमें आदर्शात्मक अवस्था आ जाती है, जिसे आदर्शात्मक अवस्था कहते हैं। इस प्रकार सोरोकिन ने केवल तीन संस्कृति अर्थात इंद्रियपरक या चेतनात्मक, आदर्शात्मक तथा भावनात्मक संस्कृतियों की बात करते हैं, जबकि भौतिक और अभौतिक संस्कृति की बात आगमन एवं निमका करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से अवधारणाओं में से किस अवधारणा का सीधा संबंध सामाजिक परिवर्तन से है? तो संस्कृतिकरण का संबंध सीधा सामाजिक परिवर्तन है। सामाजिक परिवर्तन के विश्लेषण में डॉक्टर एम एन श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है, जिसके अनुसार हिंदू अपनी जाति या जनजाति में उच्च जाति या जनजाति के रीति रिवाजों को अपनाकर अपनी परिस्थिति में सांस्कृतिक गतिशीलता लाता है, जिससे सामाजिक गतिशीलता होती है। अगला, भूमिका संकुल के अस्थायी संरचनात्मक स्रोत की अवधारणा किसने दी है? तो भूमिका संकुल की बात आर के मर्टन कहते हैं। आर के मर्टन ने रोल सेट की अवधारणा अस्थायी संरचनात्मक स्रोत की व्याख्या करते हुए बताया, जब व्यक्ति अपनी स्थिति में परिवर्तन आता है और उसकी स्थिति समुच्चय में परिवर्तन आता है, क्योंकि स्थितियों के अनुसार ही व्यक्ति की भूमिकाएं बदलती रहती हैं, इसलिए एक व्यक्ति जितनी स्थितियों में होगा उनकी भूमिकाएं उससे उतनी ही होती हैं, जिसे आर के मार्टन ने रोल सेट का नाम दिया है। अगला, भूमिका का वर्गीकरण संबंधनात्मक तथा गैर संबंधात्मक भूमिकाओं में किसने वर्गीकृत किया है? तो SF नाडेल ने भूमिकाओं का वर्गीकरण संबंधात्मक और गैर संबंधात्मक में किया है। SF नाडेल ने भूमिकाओं को दो चरणों में बांटा है, जिन्हें संबंधनात्मक तथा भूमिका और गैर संबंधात्मक भूमिका के रूप में देखते हैं। संबंधात्मक भूमिका ऐसे हमेशा पूरक भूमिकाओं से जुड़ी होती हैं,
जैसे पति तभी होगा जब उसकी पत्नी होंगी, इन्हें संबंध अर्थात दो भूमिकाओं का आपस में संबंध प्राप्त होता है। और इसके विपरीत ही कुछ ऐसी भूमिकाएं होती हैं जिनकी आवश्यकता, जिसमें पूरा भूमिकाओं की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात कोई अंतर भूमिका जुड़ाव नहीं होता। जैसे एक फकीर, एक साधु, कवि, इनमें जरूरी नहीं है कवि हो तो कवित्री भी हो, साधु हो तो साधुनी हो, या फकीर हो तो फकीराई। तो इसलिए इसे उन्होंने गैर संबंधात्मक भूमिका कहा है। परिस्थिति अनुक्रम की अवधारणा प्रस्तावित की है। तो परिस्थिति की अनुक्रम की अवधारणा अर्थात स्टेटस सिक्वेंस की अवधारणा कौन देता है? आर के मर्टन। तो यह अवधारणा आर के मर्टन ने के द्वारा दी गई है। व्यक्ति उत्तरोत्तर क्रम या परिस्थितियों की श्रृंखला जब बन जाती है तो उसे भूमिका क्रम कहते हैं। जैसे बालक, युवा, प्रौढ़, वृद्ध की परिस्थितियाँ एक के एक बाद बदलती चली जाती हैं। अगला, लिंटन ने प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थितियों में भेद जिस पुस्तक में किया है वह है, अर्थात लिंटन ने अपनी किस पुस्तक में प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियों की बात की है? तो राल्फ लिंटन द स्टडी ऑफ माइंड में, राल्फ लिंटन ने अपनी पुस्तक 1936 द स्टडी ऑफ माइंड में परिस्थिति को दो भागों में विभाजित किया है, जिसमें अर्जित एवं प्रदत्त परिस्थिति कहते हैं। उनके अनुसार प्रदत्त परिस्थितियाँ वे हैं जो जन्म से प्राप्त होती हैं, तथा अर्जित परिस्थितियाँ अपनी व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार प्राप्त करता है। अगला, मालिनोवस्की के अनुसार संस्कृति का प्रत्येक तत्व प्रकार्यात्मक होता है, मात्र व्यक्तियों के लिए, मात्र समूहों के लिए, संस्थाओं और व्यक्तियों के लिए, व्यक्तियों और समूहों के लिए। तो मालिनोवस्की के अनुसार संस्थाओं और व्यक्तियों के लिए होता है प्रकार्यात्मक। मालिनोवस्की ने अपनी पुस्तक द साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर 1944 में प्रकार्यवाद की अवधारणा देते हुए बताया है कि संस्कृति का प्रत्येक तत्व संस्थाओं तथा व्यक्तियों दोनों के लिए प्रकार्यात्मक होता है। अगला, निम्नलिखित में से किस विचारक का संबंध सांस्कृतिक वृद्धि के नव उद्विकासी सिद्धांत से है? तो स्टीवर्ड सांस्कृतिक वृद्धि के नव उद्विकासी सिद्धांत से संबंधित है। अगला, सामाजिक परिवर्तन संबंधी किस सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है? तो राल्फ डेहरेंडॉर्फ दबाव संबंध का बात करते हैं। अगला, राल्फ डेहरेंडॉर्फ ने संघर्ष का आधार राजनीतिक बताया है। उनके अनुसार संघर्ष का कारण सत्ता द्वारा व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति है। उनका यह सिद्धांत उत्पीड़न का सिद्धांत या दबाव के सिद्धांत पर आधारित है। उन्होंने कहते हैं जब व्यक्ति सत्ता में अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरे वर्ग अर्थात मजदूर या अपने वर्ग का शोषण करता है या तो उसे उत्पीड़न का सिद्धांत कहते हैं या दबाव सिद्धांत कहते हैं। द थ्योरी ऑफ कोरियंसन पर आधारित होती है। अगला, निम्नलिखित अध्ययनों में से कौन सा नियोजित सामाजिक परिवर्तन पर अध्ययन संबंधित है? तो इंडियास चेंजिंग विलेज यस्सी दुबे की प्रमुख पुस्तक है। यस्सी दुबे ने भारत के अपने अध्ययन किशनगढ़ी गांव के अध्ययन में उन्होंने नियोजित सामाजिक परिवर्तन पर अध्ययनोपरांत इंडियास चेंजिंग विलेज पुस्तक लिखी है। अगला, अकबर ने अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत के किन सिद्धांत पदों का प्रयोग नहीं किया है? भौतिक संस्कृति का प्रयोग करते हैं, प्रति संस्कृति का प्रयोग नहीं करते, चेतनात्मक संस्कृति, सॉरी बहुत प्रश्न क्या था हमारा, अकबर ने अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में किन पदों का प्रयोग नहीं किया है? तो भौतिक संस्कृति का प्रयोग नहीं किया है, बाकी तीनों का प्रयोग करते हैं। उन्होंने ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अकबर ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज 1922 में संस्कृति का वर्गीकरण करते हुए भौतिक संस्कृति और द्वितीयक अभौतिक संस्कृति की बात करते हैं। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत वस्तुएं अभौतिक अंतर्वस्तु अमूर्त पाई जाती हैं। तो इसमें पूछा कौन से नहीं करते हैं, तो प्रति संस्कृति, चेतनात्मक संस्कृति और विचारात्मक संस्कृति की बात अकबर नहीं करते हैं। चेतनात्मक और विचारात्मक संस्कृति की बात सरोकिन करते हैं, जबकि प्रति संस्कृति काउंटर कल्चर की बात है होती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का चक्री सिद्धांतकार नहीं माने जाते? अगस्त काम्ट, कार्ल मार्क्स, टाइनी या मैक्स वेबर। तो अर्नॉल्ड टाइनबी सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांतकार माने जाते हैं। अगला, सामाजिक विचारकों में से कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के रैखिक दृष्टिकोण से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी, काम्ट, अगस्त काम्ट, अकबर तथा
मार्क्स रैखिक परिवर्तन की बात करते हैं। सामाजिक परिवर्तन के दो प्रकार होते हैं, रैखिक परिवर्तन, चक्रीय परिवर्तन। क्रमबद्ध तरीके से देशांतर, निरंतरता, परिवर्तन चलती रहती है। तो रेखीय परिवर्तन से जुड़े प्रमुख सिद्धांतकार अगस्त कामटे, स्पेंसर, मॉर्गन, बैकोफन, टाइलर और हेडन, लेवी ब्रूहल और आकबर आदि हैं। जबकि चक्रीय परिवर्तन के विचारकों का मानना है कि सामाजिक परिवर्तन का अंत होता है, फिर समाप्ति होती है, फिर से वह अपनी स्थिति को बार बार दोहराती है। तो इससे जुड़े प्रमुख विद्वान पैरेटो, सोरोकिन, टाइनबी, स्पेंसर, स्पेंगलर आदि हैं। अगला, सामाजिक परिवर्तन सॉरी सामाजिक संघर्ष के प्रकारों को किसने विश्लेषित किया है? कोजर ने, राल्फ डेरन डार्फ ने, मार्क्स ने, या कोई नहीं? तो लुईस कोजर ने अपनी पुस्तक द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट में डेरन डार्फ एवं पार्सन्स का विरोध डेरन डार्फ और पार्सन्स का विरोध करते हुए प्रकारवादी सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया टर्नर ने संघर्ष मूलक प्रकार और टर्नर को संघर्ष मूलक प्रकारवादी माना जाता है। इन्होंने मार्क्सवाद और संघर्षवाद का विरोध किया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा समूह मात्र संघर्ष सिद्धांतकारों का है? रजन फोजर, मार्क्स डेरनडार, मार्क्स सिमेल, पार्सन्स, मार्क्स डेरनडार, सोरोकिन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख सिद्धांत संघर्ष के सिद्धांत दिया है कार्ल मार्क्स, कोजर, डेरनडार, लुंड गोवलिच, राफेल हॉफर आदि प्रमुख हैं। अगला, समाज में संघर्ष का मूल कारण प्रबुद्ध की इच्छा का होना, यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन हमारा नीत्से से संबंधित है। नीत्से ने समाज संघर्ष का मूल कारण प्रभुत्व की इच्छा को बताया है। अगला, सामाजिक निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक तत्व नहीं है? तो सांस्कृतिक तत्व में प्रतीक मिलता है, भाषा, प्रतिमान, ये तीनों समाज सांस्कृतिक तत्व हैं। जबकि स्तरीकरण सामाजिक वर्गीकरण का एक तत्व है, न कि संस्कृत का। तो संस्कृत के प्रमुख तत्व हैं प्रतीक, मूल्य, मानदंड, लोक साहित्य, कानून, विचारधारा, भाषा, संकेत, विश्वास आदि। सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर संस्कृति का निर्माण होता है। सांस्कृतिक विलंबन की अवधारणा किसने दी है? तो सांस्कृतिक विलंबन की अवधारणा आकबर ने दिया है। सांस्कृतिक विलंबन से तात्पर्य ऐसे परिवर्तन से होता है जब अभौतिक संस्कृति की तुलना में भौतिक संस्कृति में तेजी से परिवर्तन होता है। और आकबर ने यह अवधारणा अपनी पुस्तक सोशल चेंज 1992 में प्रतिपादित किया है। अगला, जब दूसरी संस्कृति के प्रभाव से संपूर्ण जीवन पद्धति में परिवर्तन की प्रक्रिया हो तब उसे क्या कहेंगे? तो उसे परसंस्कृति ग्रहण कहते हैं। तो परसंस्कृति ग्रहण, व्यक्ति जब अपनी संस्कृति को छोड़कर अन्य संस्कृतियों को ग्रहण कर लेता है तो उसे परसंस्कृति ग्रहण कहते हैं। प्रसार, जब एक संस्कृति का प्रसार, एक संस्कृति का कुछ तत्व दूसरी संस्कृति के तत्वों में से मिल जाते हैं, आदान प्रदान होता है तो उसे प्रसार कहते हैं। संस्कृतिकरण, जब कोई व्यक्ति अपनी संस्कृति को छोड़कर अन्य उच्च वर्ग की संस्कृतियों की या जीवन शैली को अपनाता है तो उसे संस्कृति कहते हैं। अगला, यह सिद्धांत, यह किसका कथन है कि भारत एकता उसके इतिहास के अधिकांश समय में सामाजिक या राजनैतिक एकता न होकर सांस्कृतिक एकता रही है? तो यह कथन मुख्यतः यमन श्रीनिवास से संबंधित है। श्रीनिवास कहते हैं भारत की एकता उसके इतिहास के अधिकांश समय में सामाजिक या राजनैतिक एकता न होकर सांस्कृतिक एकता ही रही है। एक उपसंस्कृति हमारी ज्ञान इंद्रियों को अच्छी लगती है और समाज के अन्य उपसंस्कृति प्रणालियों को नकारती है, कही जाती है। इसे हम काउंटर कल्चर कहते हैं या प्रतिसंस्कृति कहते हैं। अगला, प्रतिसंस्कृति एक उपसंस्कृति होती है जो मुख्य संस्कृति के विचारों का विरोध करती है तो अपना एक अलग विचारधारा बना लेती है। आदर्शात्मक संस्कृति सोरोकिन के अनुसार चेतनात्मक संस्कृति भावनात्मक दोनों संस्कृतियों के बीच की अवस्था है तथा भौतिक संस्कृति सांस्कृतिक मूर्तिपक्ष सभ्यता कहलाती है। अन्य विकल्प, अंतर समूह एवं बाह्य समूह की अवधारणा किसने दी है? तो अंतर समूह एवं बाह्य समूह की अवधारणा समनर ने दिया है। तो यह मुख्यतः लगभग सभी एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतर समूह एवं बाह्य समूह की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है। और था एक तथ्य यहाँ पे और है कि अंतर समूह एवं बाह्य समूह के बीच का अंतर किसने किया है? तो बीच का अंतर रॉबर्ट बीर स्टीड ने किया है। अगला, संदर्भ समूह व्यवहार के मुख्य आधार निर्माण किससे होता है? इच्छा से, तुलना से, तुलनात्मक अभाव बोध से या सभी से? तो संदर्भ समूह का व्यवहार मुख्य धारा तुलनात्मक अभाव बोध से संबंधित है होता है। संदर्भ समूह की बात सर्वप्रथम हाइमन ने किया है, उसके बाद मल्टन ने तुलनात्मक वंचन अपनी पुस्तक द अमेरिकन सोल्जर में किया है। अगला, अंतः समूह एवं वाय समूह को किसने वर्गित किया है? तो अंतः समूह एवं वाय समूह को वर्गित WG समनर ने किया है।
सदस्यों के बीच घनिष्ठता एवं सामाजिक दूरी के आधार पर दो समूहों का अंतर समूह एवं वाय समूह को समनर ने वर्गीकृत किया है। किसने प्राथमिक समूह को मानव स्वभाव की पोषिका कहकर परिभाषित किया है? तो इनमें से किसी ने नहीं, मानव समूह को कुले, चार्ल्स कुले ने मानव प्राथमिक समूह को मानव समूह की पोषिका अर्थात पोषण करने वाली कहकर संबोधित किया है। तो आज का यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।